बाजार में अपने बच्चों के साथ में चौमिन या नूडल्स खाना तो अपने को बहुत पसंद होगा, और जब ये खाते हैं तो उससे नुकसान क्या क्या होता है? आपको पता है कि वो नूडल्स सारे 100% मैदे से बने हुए हैं, उसके बावजूद हम खाते हैं। हम जानते हैं कि वो जितने भी नूडल्स के पैकेट हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, जिससे वो शरीर को नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम खाते हैं। उनके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको MSG और अजिनोमोटो कहा जाता है, ये तक हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, फिर भी हम डालकर बच्चों को खिलाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें आप अपने घर में बना सकते हैं, और अगर घर में बनाने का समय नहीं है तो कम से कम पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाएं। वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर इस वक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ नूडल, पास्ता और वर्मिसली उपलब्ध हैं। क्या खास बात है, इनके अंदर मैदा एक अंश भी नहीं मिलेगा, इसको केवल मिलेट्स के साथ में और गेहूं के साथ में ही बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसमें जो मसाले का पैकेट मिलेगा वो भी सारे हाथ से कुटे हुए मसाले हैं, जो ऑर्गेनिक ग्रेड के मसाले होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती। सोचिए, अगर हम बच्चों को नूडल, पास्ता और सेवैयाँ, अगर ये भी हम ऐसी खिला रहे हों जिनके अंदर किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग ना हो और भारत के सर्वश्रेष्ठ अनाज के साथ ये बने हों, तो बच्चों को सेहत भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। जब अच्छी चीज़ें हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं, तो क्यों बाजार से ये गंदी चीज़ें और मैदे वाली चीज़ें खिलाकर बच्चों की सेहत को ख़राब कर रहे हैं? थोड़ी सी समझदारी अगर अपनाएंगे तो हम बच्चों को अच्छी सेहत भी दे पाएंगे। भारत वंदे मातरम।